हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टैफिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे एक मैसेज के बारे में। व्हाट्सएप पे इन दिनों एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उस मैसेज के अंदर लिखा है कि जियो के 100 करोड़ कस्टमर पूरे होने की खुशी में आप सभी को 448 रुपये का रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। रिचार्ज करने के लिए लिंक पे क्लिक करें और वापस जाके आप देखते हैं तो क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैसेज के बारे में बात करेंगे, इस मैसेज के बारे में कि आखिर ये मैसेज कहाँ से शुरू हुआ है, क्या है ये मैसेज और क्या वास्तव में आपका रिचार्ज होता है या फिर नहीं होता। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस मैसेज के बारे में कि इस मैसेज के अंदर क्या है और क्या होता है। सबसे पहले आप इस मैसेज को जब पढ़ते हैं तो मैसेज के अंदर हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता है कि जियो के 100 करोड़ कस्टमर पूरे होने की खुशी में आप सभी को 448 रुपये का रिचार्ज फ्री में कराया जा रहा है और रिचार्ज करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और ये ऑफर सिर्फ 31 अगस्त तक ही सीमित है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर वगैरह और जो ऑपरेटर वगैरह वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। जब आप उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपसे बोला जाता है कि ये मैसेज 5 से 7 लोगों को सेंड करो। आप शेयर भी कर देते हैं, बाद में आपके सामने आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पॉपअप आता है कि आपका रिचार्ज हो गया। थोड़े दिन में मतलब कि ज़्यादा वो आने की वजह से, ज़्यादा रिक्वेस्ट आने की वजह से 5 से 7 दिन का टाइम लगेगा, आपका रिचार्ज हो जाएगा। दैट्स इट। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कोई वो नहीं है कि ये मैसेज फेक है। मैं बहुत सारे वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ और मैं बताते बताते थक गया हूँ, फिर भी लोग पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे वो लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे वीडियो हर वीडियो को मेरे वॉच करते हैं फिर भी ऐसे काम करते हैं, तो समझाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मैसेज पूरी तरीके से फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि ये मैसेज फेक है, अगर नहीं जानते तो आप जान गए होंगे। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये मैसेज फेक है, लेकिन ये जो मैसेज अब की बार आया है ये बाकी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप सोच रहे हैं डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट ये ऐसे है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरीके से ये मैसेज फेक नहीं है। हाँ, रिचार्ज नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे रिचार्ज भी नहीं होता, मैसेज भी फेक नहीं बता रहे हो, तो आखिर है क्या इसमें? आप जब इस मैसेज को ओपन करते हैं, वहाँ पे जब आप लिंक पे जाते हैं तो नीचे एक लिंक रहती है डिस्क्लेमर, ठीक है, एक डिस्क्लेमर एक लिखा हुआ रहता है टेक्स्ट। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता उस डिस्क्लेमर के ऊपर, सबको रिचार्ज की पड़ी है, सबको फ्री का चाहिए सब कुछ। आज के टाइम में फ्री का 1 रुपया भी नहीं मिलता, फ्री में 448 रुपये का रिचार्ज तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो जब आप उस डिस्क्लेमर पे क्लिक करते हैं तब क्या होता है? उस डिस्क्लेमर पे जब आप क्लिक करेंगे, आप करके देखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, उस पेज के अंदर जानते हैं आप क्या लिखा हुआ है। उस पेज के अंदर लिखा हुआ है कि हम ये प्रैंक था, एक तरीके से ये प्रैंक था और हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया में कितने परसेंट लोग फेक वेबसाइट पे बिलीव करते हैं, कितने परसेंट लोग फेक वेबसाइट को मानते हैं, मतलब ऐसे किसी भी तरीके से इंडियन लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। यहाँ पे आके मतलब बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा मतलब, और एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है। मतलब एक तरीके से सर्वे किया गया है कंपनी के द्वारा, जिसके अंदर ये टेस्ट किया गया है कि इंडिया में कितने लोगों को एक छोटे से मैसेज से किसी भी वेबसाइट पे पहुंचाया जा सकता है, किसी भी के भी नंबर लिए जा सकते हैं। मतलब कि कितना आसान है ना किसी के नंबर लेना, किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराना, कितना आसान है ना इंडिया के अंदर, पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से जो फ्री का सब कुछ चाहिए उनको, जिनको सब कुछ फ्री का चाहिए, उनकी वजह से मैसेज देखा नहीं, उस पर क्लिक किया और स्टार्ट हो गए बस अपना नंबर डालना। ये नहीं सोचना कि इस वेबसाइट पे हम नंबर डाल रहे हैं वो वेबसाइट ट्रस्टेड है या फिर नहीं है, क्या ये मैसेज वास्तव में सही है फिर नहीं है, हो सकता है आज के चल के हमारे नंबर के साथ में कुछ भी किया जा सकता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये एक सर्वे किया गया था इस मैसेज के जरिए कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो कि फेक वेबसाइट पे बिलीव करते हैं, और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही हर किसी वेबसाइट पे अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं कोई भी व्यक्ति हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग। और नीचे उन्होंने ये भी लिखा है कि वो
शॉक हो गए जब इतने सारे लोग इंडियन के इतने सारे लोगों का उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया। चाहते तो वो उस वेबसाइट पे ऐड लगा के हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन ये एक सर्वे था और कंपनी ने ये भी बोला कि हम कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं जिससे लोगों को हम इस मैसेज से दूर रखने की कोशिश करेंगे। और मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, मैं पता नहीं कितने सारे वीडियो के अंदर बात बोल चुका कि व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज पे क्लिक मत कीजिया किया करें। चलो ये तो मैसेज, दूसरी बात अगर ऐसा कोई मैसेज आपके सामने आ जाता है और आपको कुछ भी वहाँ पे बोल दिया जाता है, आप उसको सच मान बैठे रहते हो और वहाँ पे आपके नंबर ले लिए जाते हैं, आपको ये भी बोल दिया जाता है आप अपनी फोटो अपलोड कर दो, अपना नाम अपलोड कर दो, सोच सकते हैं आपके साथ में क्या हो सकता है। आपकी फोटो, आपके नंबर, आपका नाम का कितना गलत यूज हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे मैसेजों से बिल्कुल दूर रहा करिए। ये मैसेज मैंने देखा, नीचे डिस्क्लेमर पड़ा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर जरूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर जरूर करना और पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना। और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं यहाँ पे लेटेस्ट मुझे अपडेट देता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।